Agenda Cassettes. अच्छा बाबूजी, मैं गायक राजू लाल यादव आजमगढ़ मेहनाजपुर चौर के सरजमी से एकरा पहले हमार कई कैसेट रहुआ आपसे पसंद कैली। एक कैसेट हमारे मामा श्री प्रकाश यादव मलदहिया वाराणसी के देख रेख में आप सबके बीच में जात बा। हमके आशा न पूर्ण विश्वास व भैया आप सब जरूर पसंद करिहन। बिरहा के अंदर कवि जी चार लाइन भूमिका लिखल मुन्ना। जब जिगर में ओ जज्बात खले जे में ही मत, अरे लाख मुश्किल खड़ी मंजिल मिल जाती है। अपनी खुशबू से करता जो गुलजार गुलशन, उसकी कलियां भी जन्नत में खिल जाती है। रो दिया अवनी अंबर बिलखती विभा, और जब कलंकित मनवता की स्याही हुई, रक्षक भक्षक बने मुख दर्शकिया। कभी भैया लाल कानून की तबाही हुई। यही समाज है मित्रों, एक चींटी पहाड़ की ऊंचाई तक जाती है, बार बार गिरती है, लेकिन लाख प्रयास करने के बाद तो पर्वत के ऊंचाई तक जाती है। इंसान अपने जिंदगी में लाख प्रयास करने के बाद उस मंजिल को प्राप्त करता है। या इसी हमारे बिरहा आप सबके बीच में जात बा। बिरहा के अंदर एक लाइन गजल बा मुन्ना। कोनो हीरोइन कोनो हीरो से कहता, फिल्म का नाम मास्टर। कि अब चलाओ कोनो लड़का कोनो लड़की से कलस आए, हमार दिल तोहरा पे आ गल लेकिन हमके परेशान मत करा। का कहलस क्यों चलाओ ना, अरे यूं चलाओ ना नैनो से बहन रे, जान ले लो ना जान रे।
बाबू, लेकिन ये इंसान और ये समाज बदे कवि जी लिखलन का लिखलन? कर्म करता, अरे कर्म करता है जैसा इंसान हो, जग में मिलता पहचान हो। जग में मिलता पहचान हो। यही ठिया से कवि जी बिरहा के शुरुआत कर दिलन, नजम कराए ना मास्टर। चक्र में इंसान सदा चलता है, समय के चक्र में इंसान सदा चलता है, हौसला हिम्मत से परिस्थिति में ढलता है। बिरो की माटी बलिया काय अलग नजारा है, बिरो की माटी बलिया काय अलग नजारा है, क्रांति के दूत मंगल पांडे रात पुकारा है। कहानी है बेलधरा रोड सोना डी की मिली कहानी है, सामाजिक परिवार के पिसीन का खानदानी है। प्यारे बचपन से खाकी वर्दी की तमन्ना थी, प्यारे बचपन से खाकी वर्दी की तमन्ना थी, विश्वास ड्यूटी पे इतिहास की एक पन्ना थी। सीओ के पद पर गोंडा में मिली तैनाती है, सीओ के पद पर गोंडा में मिली तैनाती है, मचाए हलचल विभाग जो की घाती है। उत्तर प्रदेश प्रांत बलिया के बेलथरा रोड सोनाडी गांव बाबूजी 30-32 किलोमीटर के दूरी पर पड़ता है। आप सब साथी गए होंगे, देखे होंगे, उसी गांव के रहे वाला एक नौजवान जेकर नाम बताओगल केपी सिंह। केपी सिंह बाबू हो 16 साल का लड़का, पढ़ लिख करके जब जवान हुए बचपन से अपने दिल में तमन्ना ले लें कि कौनो ड्यूटी करब, कौनो नौकरी करब, या तो आर्मी का नौकरी करब या तो पुलिस का नौकरी करब। समय दूर ना है बाबू, बतावल जला होनहार बीरवन के होत चिकने। ओ जवान अपने ड्यूटी पर ला करके फैसला कैलन कि न तो मैं किसी से एक रुपया का घूस लेब, आ न तो केहू का चोरी, आ न तो केहू का बेई। अपने आप के और अपने अंदर जितना थाना और जितना पुलिसकर्मी का दरोगा साहब लोग रहलन, सबके डांट दपेट करके अपने ड्यूटी के पूर्ति करे लगलन। एक धसत बन गई पुलिस कर्मियों के अंदर कि जब से ये किशन प्रताप आए हैं, न तो ऊपर का एक को कमाई आओ थे, न तो खर्चा चलत हो, लोग परेशान हो, हलचल मचल लोगन में। कौन हलचल मचल? कौनो भौजाई, ए मास्टर बाबू बड़ी परेशान हो, अपने छोर सो देवर के कलशे देवरु, हमार हालत बड़ी खराब दुन बा, देवरा कलश का भौजी तो वह बतावत हो, का बतौलस? ओहो चरके ले चोलिया ना ये देवरु, चरके ले चोलिया ना।
अरे चरके ले चोलिया ना ये देवरू चरके ले चोलिया ना तो सुन के सैया के फोन पर बोलिया हा देवरू चरके ले चोलिया ना जगह का और वो जिला के अंदर जितना थाना रहल एसओ से लेकर के पुलिस कर्मियन का टंगरी कापत दहशत बनल कौन दहशत बनल अरे धड़के ले छतिया ना ये भैया धड़के ले छतिया ना छतियाना ये भैया धड़के ले छतियाना तो देख के सीओ के हिम्मतिया भैया धड़के ले छतियाना आपस में सब लोग बात करत हुन कि जब से ये सीओ आया है ऊपर का कमाई बंद हो अपने तो अपने ना ले था हम महलो के ना ले वदे था भयल का चोर चापलू समकार छोड़ी दे हले थाना अरे बनल विपतिया ना ये बाबू बनल विपतिया ना आपस में सब लोग विचार कैलन और विचार कैके ठे प्लान बनौलन वही गोंडा जिला के अंदर एक गांव पड़ल जौने गांव का नाम बतावल गल माधवपुर माधवपुर गांव के रहे वाला बाबू रामबरन सिंह के पिता का तेरही रहल उसी तेरही में फैजाबाद की चंपाबाई नाचने के लिए आती है और जब नाचने के लिए आती है उसी में लोग समझ गेलन कि ऐसे बढ़िया मौका न मिली वही में जाल रचलन आज समैया जब तेरही के आई ले बाबू उसी तेरही में जब खा पी करके लोग समियाना लगा करके बैठे और चंपा बाई कचकचवा रूप बना के जब आई बनू तो वही मंच पर तनी सा कमर लचका के गाय दिल आ का गौलस भैया ए लक्ष्मण बाबू का गौलस अरे पुरवा पवनवा मदनवा के वेद अरे पुरवा पवनवा मदनवा के वेद टूटला पदन पर पोर बोलो बोलो
लेकिन आज के जौने समय का उलस न तो कितना जाने का मन तो डोल न गए हो। इतना में एक लाइन और गा दिलस का उलस जाके विदेश हमके तरसा चढ़ली जवानी बा हमार नहोरा सजिया सवतिया बनल बनगिनिया गिनते तरैया होला भोर बोला समय चंपा बाई गौलस न तो वहां पर नाच प्रोग्राम देख बदे बड़ा लोग आवलन भैया उसी में कुछ बदमाश रहलन तान के रिवाल्वर फायरिंग कर दिलन अगोली जा के तंबू में लगल तंबू चरचरा के फटल भगदड़ मच गई साथियों एक गोली चंपा बाई के कान से सन से निकलल चंपा बाई कलस भागा न तो जान न बची आज उन्हें समय भगला पर लहंगा उठा के उसे चंपा बाई नू तो कितना लोग दौड़ा के झोंकर चलन लेकिन भाग गई अंदर और हर जो उन्हों गांव के चौकीदार ननकू बाबू माधवपुर के चौकीदार ननकू बाबू जा कर के दुबहा बाजार पुलिस चौकी इंचार्ज रामकरण सिंह के खबर जतौलन कि माधवपुर गांव में कुछ बदमाश आ करके फलाने भैया के घरे भगदड़ कर दलन उसी समय बाबूजी दलबल के साथ रामकरण सिंह अपने टोली बटालियन के लेकर के माधोपुर जब पहुंचलन दोनों तरफ से गोलीबारी होते दोनों तरफ से गोलीबारी जिस समय हो रही है बाबूजी उसी समय कर्नलगंज के कटरा थाना अध्यक्ष आरपी सरोज और रामकरण पांडे अपने बटालियन को लेकर के चल देते हैं वारलेस द्वारा जब खबर पाते हैं और जब उन्हें समय थाना के लोग पहुंचे आपस में विचार करने लगे कि सीओ को इसी समय बुलाया जाए और इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता और सीओ साहब के वायरलेस द्वारा जब खबर दिया किशोर प्रताप के किशोर प्रताप जी अपने गाड़ी से जिस समय आते हैं कहते हैं अरे शेर भारत माता के मिट्टी की कसम और वही समय ललकरनन तक हलन का बाबू कोनो लईका कोनो लईकी के मुआ के धलस लईकी एकदम बिगड़ न गई कल कुत्ता कमीना दोगला कहीं के तुम्हारी घर तुम्हारे माँ बहन नहीं है कल है लेकिन वो भी तो बीवी बनती है किसी की वो तो बिगड़ न गई लेकिन लईका समझाओ तो का कहलस अरे एगो चुम्मा हाईली हला खातिर अरे जा हलू गारी ये प्यारी गोली मरबुका ये प्यारी गोली मरबुका फसा खत चोली फरबुका ये प्यारी किशोर प्रताप कलन के सर मेरे साथ चलो इन बदमाशों को मुंह तोड़ जवाब देंगे हम ललकार के कलन का अरे बही के पीरवाइन करी अरे बंद कैदा बोली खून के ओली मच जाई अरे खून के ओली मच जाई रे तनादन गोली चल जाई खून के
लेके पोजीशन सिया साहब बढ़ल आगे और कैला गद्दारी साथी अगोली लगल दागे अगोलिया लगल दागे गरीबन के हम दर्दी खून के ओली मच जाई अरे खून के ओली मच जाई रे दनादन गोली चल जाई पोजीशन लेकर के सीओ साहब जो ने समय आगे बढ़लने भैया आगे से भी फायरिंग होती हो पीछे से भी फायरिंग होती हो साथ के साथी लोग गद्दारी कर दिए एक गोली आगे से और एक गोली पीछे से जब कमर के नीचे लगले बाबू उसी समय किस प्रताप लड़खड़ाते हुए जब गिरे अपने साथियन के तरफ ताकत हुन तो रोवत हुन इधर प्राण पखेड़ू उड़े वाला बा गोली लगल हो लेकिन अपने साथियन से ठे बात कहत हुन का कहलन बड़ी सुंदर गीत थी बड़ा चर्चा हो घरी उठिए बलम जी तनी दे बहारी जराई दी गोली लगी है किसी प्रताप जी को गिरते हुए अपने साथियों से आवाज दे रहे हैं रो रहे हैं कहें कि अरे साथी यही जब करना था तो कहीं खड़े करके हमको गोली मार लेते इस भरी जनता के बीच हमको गोली क्यों मार रहे हैं इस सभा में क्यों गोली मार रहे हैं रोते हुए कहलन का कहलन सुना ये सिपहिया कहे घात कैला भाई टोपी वर्दी पर लोग विश्वास न करी ऐसा काम काहे कैला भैया इतना ना और का कहलन रक्षक बन के भक्षक बन विश्वास तोड़ला भाई खूनी वर्दी कानून भैली अंगुली सब उठाई बाबू इतना कहत बाबू किशोर प्रताप के प्राण पखेड़ उड़ गए केपी सिंह का लाश उठा करके अपने गाड़ी के डिग्गी में भर करके बाबूजी जंगल की तरफ चल देते हैं और जब जंगल के तरफ चलन तो एक षड्यंत्र रचलन कौन षड्यंत्र रचलन भैया
और बार बदी नावा में आई पुलिस के जावा नावा हो और गौवा खेलोगी के जुटाई ले हला पपिया बहला फुसला के लेके आइल जंगल के किनरवा अगोलिया सच दे दियल निर्बलन का छतिया बाबूजी जवान के लाश के डिग्गी में भर के जंगल के तरफ जब पहुंचे षड्यंत्र रचते हैं कि यह खबर पेपर पत्रिका द्वारा छपवा दी जाए कि यह मुझ भीड़ में मारे गए हैं बदमाशों के साथ। डिग्गी में लाश भर करके जब जंगल के तरफ से गांव की तरफ माधोपुर आए बाबू, गांव में जाकर के हल्ला कर दिए कि हम लोग बदमाशों को जंगल में घेर लिए हैं, कुछ नौजवान साथी मिल जाते तो हम लोग घेर करके सहयोग द्वारा उन सबों को मार गिराते। और उसी समय 16-17 साल का नौजवान 20 साल का नौजवान अपने के नहछारते हुए गाड़ी में 16-17 जवान बैठ गए बाबू, और जंगल के तरफ जब पहुंचे तो एक लाइन में खड़ा करा के दौड़ते हुए जंगल के तरफ चलो पीछे से हम हथियार लेकर आते हैं, और उसी बीच में उन जवानों को तड़तड़ तड़तड़ गोली से मार गिराते हैं बाबू। और कैलन का हराम जादे और मुठभेड़ में मराई गई बदमाश सिया का हत्यारा हो समाचार चिल्लायल पुलिस प्रशासन का बतिया। आए बाबू उन जवानों की लाश उठा करके हरामजादे फेंक दिए और सीओ की लाश लेकर के गोंडा कोतवाली की तरफ जावाते हैं, समाचार और पेपर में ही छपवा दिए कि लड़ाई के विरुद्ध बदमाशों द्वारा सीओ साहब मार दिए गए। और सीओ साहब के किशोर प्रताप का लाश जब उनके पत्नी विवाह के पास जब गई हो भैया, पत्नी रोते हुए अपने सैया से सवाल कर देती है क्या एक लाइन झिझिया गीत लग गई सीतामढ़ी बिहार के तरफ गवाले कैसे मास्टर। अरे मुवाले कपावली जब दुलाई खबरिया हो अरोवा लगली पिट पिट चतिया हो ये हो सैया गईला कहवा छोड़ी के पराई सजनवा तनी बताई अनु देता हो ये हो सैया गईला कहे छोड़ी के पराई सजनवा कहे छोड़ी अनु देता हो ये हो सैया गईला देता के पराई सजनवा कहे छोड़ी अनु देता हो। ओए सैया आप मुझसे बात करिए, सैया आप उठिए, सैया न तो मुझको साथ बुला लीजिए। सैया कहती है क्या तनिक तो मऊरावा हम के खियाई देता हो न तो संग हो सैया संगवा हम के लेता तू बोलाई सजनवा तनी बताई अनु देता हो ये हो सैया संगवा हम के लेता तू बोलाई विवाह के रोले जैसे जनाए कि बन का पशु पक्षी रोवत हो।
जैसे जाना कि सन्नाटा प्रगल कवि जी बिरहा शैली में भाव लिखलन बाबू। ए बाबू खुदा की भी खुदाई रो पड़ी, अरे अंबर भिलख उठाया वनिया सुबरसाई। विवाह के बड़ा नागवार लगल कि हमारे सैया को धोखे से मारा गया है और विवाह कैलिन का। अरे छेड़ली विवाह कानूनी जंग कर अधिकारी सब तंग, मेहनत लाई रंगत एक दिन विश्वास बबुआ। विवाह कानूनी जंग छोड़ के अपने सैया का केस लड़ लगलिन। दू ठे बिटिया है, दोनों बिटियावन का नाम का रख ले हैं इंजल प्रांजल के पढ़ावा सपना पापा के बतावा। आईएस दोनों बहिना कैले एक दिन पास बबुआ। दल कुदरत के कहू माया उठल मम्मी के भिसाया, छाया चितरंजन के मिलल दोस्त खास बबुआ। अरे के खियाई मिठाई लखियाया सुपर साई, समय करवट लेल भयल दिल खास बबुआ। बिटिया किंजल प्रांजल जब पढ़ लिख के थोड़ा थोड़ा बड़ा भली जब होश संभलिन तो मातारी अपने पापा का कसम धरावत थीन कि ये बिटिया तुहार पापा तुलन के यही सपना सजोले रहलन कि हमार बेटा या बिटिया पैदा होई तो आईएस पीसीएस बनाई। दोनों बिटिया अपने पापा का सपना धीरे धीरे साकार करत हैं। बार कुदरत का करिश्मा एक दिन वो दोनों बहनिया साथ है में आईएस का परीक्षा पास के लिन। मिठाई दुकान से जाके ले लिन और ले के माई के पास अलिन और माई से कहलिन ए मम्मी हमने परीक्षा पास कर गेली। माई बड़ी खुश है, हथवा से दोनों बिटिया मिठाइया खियावत हैं। इतने में माई का प्राण पखेड़ उठ गया, हार्ट अटैक आयल। माई ये दुनिया के छोड़ के चल गई बाबू जी। दोनों बिटिया कलिन की एक तरफ पापा का तो हमने मुँह न देख पोली सही से, और मम्मी भी हमने के छोड़ के चल गई। अब के करे सहारे जियल जाई। दोनों गले से गले मिल के किंजल और प्रांजल दोनों रोवत हैं। उसी समय उस केस को देखने वाले बाबू एडवोकेट साहब चितरंजन जी आए और दोनों बिटियन का कलाई पकड़न। कलन तुम सबों का कोई नहीं है तो मैं हूँ। दोनों बिटियन का साथ मिलल और दोनों बिटिया अपने पापा की केस देखने लगी और चितरंजन जी का सहारा मिलल। लेकिन मने मने रोवत ही कैसे रोलिन। अरे कहिया होई इंसाफ कई पयानावा मनावा रोवेला। अरे जवान बनौला बाबा संविधानवा मनावा रोवेला। उन्नीस सौ बयासी से धीरे धीरे बाबूजी 31 साल बाद ओ केस का खुलासा होवे जात हो। कहाँ होवे जात हो? अरे 31 साल बाद हो तबाम सीबीआई कोर्ट में सुनवाइया हो। सब विश्वास का कब तक पूरा वही है बोला समैया हो। अरे सुनी है सब ही राजेंद्र सिंह का ही बयानवा मनवा रोवेला। गौर करेंगे साथियों 31 साल बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में
वो केस का खुलासा हो जाता हो। लोगों की भीड़ लगी है, माधवपुर के लोग जुटे हैं कि जहां मेरे बच्चे मारे गए हैं, आज उस केस की खुलासा होने जा रही है। उसी में सारन बजाते हुए एक गाड़ी भीड़ को चीरते हुए दो लेडीज उतरती हैं। वो कौन थी? किंजल और प्रांजल दोनों बहनें अपने पापा की केस देखने आ रही हैं। हुआ क्या बाबू? एक तरफ बहस हो रही है और जज राजेंद्र सिंह उस केस का समापन करने के बाद फैसला सुनाने जा रहे हैं। कौन सी फैसला? अरबी सरोज राम करण राम नायक के भैली फसिया हो, रमाकांत नसीम मंगला परवेज राजेंद्र करू कली ससिया हो। अरे सुन के फैसला किंजल के परसे नया नवा मनवा रोवेला, अरे जवन बलौला बाबा संविधानवा मनवा रोवेला। रमाकांत नसीम मंगला परवेजर राजेंद्र के देख रेख में इस केस को बाबूजी, उन सबों को आजीवन कारावास हुआ और आरबी सरोज राम करण राम नायक के फांसी भइल। दोनों बिटिया गले से गले होकर रोवत हैं, लेकिन कभी जी लिखलन का लिखलन? अरे वह भारत भूमि इलाहाबाद कोर्ट के सामने बाबूजी फैसला सुन के अपने में विचार करके एक झूठ हो करके रंग का फुहार उड़ौलन। 12 मार्च 1982 को साथियों माधवपुर में उस समय होली का पर्व था, 4 रोज पहले 16-17 जवान मारे गए थे, पूरी रोना पड़ गया था, सन्नाटा पड़ गया था। बाबूजी वही इलाहाबाद में रंग का फुहार उड़ाते हुए रोते हुए गाँव के लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू? यह प्रशासन यह देश का ससनावा, बिगड़ल व्यवस्था के बहुत जिम्मेदार, बदल गरीब बवन के खून पियत बात, बदल गरीब बवन के खून पियत बात, जकर भी सहारा नहीं होले सरकार।
बहना वो गांव वालों को सहारा दे रही हैं, सांत्वना दे रही हैं कि आप लोग घबराइए मत, हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन चार लाइन कवि जी ने दर्शाया कि बारह देश का शासन और बारह देश के पुलिसकर्मी लोग और बारह उत्तर प्रदेश अपने साथ और इस जनता के साथ कितना घात करते हैं लोग। दोनों बहन आपस में हो के रोवत हैं और माई बाव के ख्याल करत हैं, तो उस सांत्वना देते हुए बतावत हैं, का बतावत हैं, सोना सहिरा भैली अरे सोना डी कबिटिया हो, अके के हम सुनाई ए भैया के हम सुनाई, आपन करुणा भरी गिद्या हो, के हम सुनाई बाबू। आप सब रो रहे हैं ना, लेकिन हमारे मम्मी पापा तो इस दुनिया में नहीं हैं। हम लोग अपनी बात किससे सुनाएं और किससे अपना दर्द कहें। लेकिन दोनों बहनें हम लोग फैसला करते हैं कि आप सबके साथ रहेंगे और आपके साथ कंधे से कंधे कदम से कदम मिला के चलेंगे। कहती क्या है, अरे शासन में रही के सुधारब हम व्यवस्था, कानून पर टिकल हुआ यही दशवा कयास्था, अरे सर्व समाज से जुटल आज हमनी के प्रीतिया हो, आई के हम सुनाई अपन करुणा भरी गीतियो। उसी बीच में सायरन बजाती हुई एक गाड़ी और उस भीड़ को चीरते हुए आकर के सांत्वना दे रही है, क्या आईएस अभय सिंह सबुरवा बधावे आ दोषी के सजा नीरा दोष के बचावे, ओ आईएस अभय सिंह कौन थे, उसी किंजल के पति। दोनों बहनों को सांत्वना दे रहे हैं, कहां चलिए सच्चाई कहीं टरी नहीं जाती और झूठ का हमेशा पर्दा फांस होला। तीन चीज छिपाए ना छिपे चोरी हत्या, वहां जे भी हो सबके ये सांत्वना अभय सिंह देहलन का देहलन, अरे सब सुधारा मिल के गंदी दसवा के नितिया हो, अरे के हम सुनाई ये बाबू के हम सुनाई अपन करुणा भारी गीत हो, के हम सुना यह समाज हो और यही उत्तर प्रदेश हो और यहाँ के यह पुलिसकर्मी लोग हों। कहना आखिरी में गुरु बिहारी गुरु गणेश कलंकित पर ससनवा आ चंद्र का चरण में श्री राम कधिया नावा।